भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी कीमत पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर रखती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर एक पे आता है एनएसजी कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा फेमस स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढकर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो पर काम करती है और 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने अंजाम दिया है। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शामिल है। इसके कमांडो हरदम ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में या देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एनएसजी कमांडो के सिलेक्शन प्रक्रिया में काफी सावधानी बरता जाता है, जिसके चलते इसमें शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप आउट रेट 70-80% होता है। एनएसजी के 7500 कमांडो स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप SRG में बांट दिए जाते हैं। वहीं नंबर दो पे आता है गरुण फोर्स। आसमानी रक्षक गरुण फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुण फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुण फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। गरुण फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयर फोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 सैनिक गरुण फोर्स में काम कर रहे हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुण फोर्स सिर्फ इसलिए एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुण फोर्स बनने का मौका देती है। इसकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, जो कि 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुण फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। गरुण कमांडो को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। हालांकि पूरी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें गाजियाबाद के हिडन एयर बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर जंगल वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। वही नंबर तीन पे आते हैं मार्कोस कमांडो। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। यह हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन हो, और इन्हें जल संबंधी कार्यों में महारत हासिल होती है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना जा सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये दुश्मन से आगे रह सकें। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने भी साथ दिया था। वहीं 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्सेस यानी मार्कोस का गठन किया गया था। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है, इसमें 20 से 24 साल के लोगों को ही चुना जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अमेरिका व ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने व सीखने का भी मौका मिलता है, जिससे यह हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो विश्व की सबसे कठोर ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग में पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और एटीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा को केवल 20% कैंडिडेट ही पास कर पाते हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। डाइविंग की ट्रेनिंग कोची के नेवी डाइविंग स्कूल में होती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बने होने पर भी तैर सकते हैं। वही नंबर चार पे आता है कोबरा फोर्स। कोबरा दुनिया की बेहतरीन पैरा मिलिट्री फोर्स में से एक है। कोबरा फोर्स को कमांडो बटालियन फॉर रिशोर्ट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह CRPF की स्पेशल फोर्स है। इसका काम है जंगल की लड़ाइयां लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीके को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। वहीं नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढकर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। वहीं इस फोर्स का गठन 12 सितंबर 2008 को हुआ था। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल में होने वाली लड़ाई में
कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिकों को गोरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उसे क्या करना है। यह फोर्स अब तक 2 शौर्य चक्र से नवाजी जा चुकी है। वहीं कोबरा फोर्स इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जंगल से जुड़ी हर बात के बारे में बताया जाता है, ताकि ये हर हाल में दुश्मन को मात दे सकें। कोबरा को जंगल वॉरफेयर के लिए बेंगलुरु और कोरपूत में ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग NSG कमांडो के समान होती है। प्रत्येक कोबरा कमांडो को पैरासूट रेजिमेंट से हेली जंप की ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें लंबी दूरी चलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जानकारी होती है। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सली इलाकों में तैनात किया जाता है। वही नंबर 5 पे आते हैं घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थलसेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है, जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थलसेना से आगे चलकर काम करते हैं, ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों तक चलाया जाता है। इस प्रकार ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। घातक फोर्स कमांडो को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के तहत कमांडो को 20 से 60 किलोमीटर बैटल गियर राउंड मशीन चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉलफेयर स्कूल भेजा जाता है। घातक फोर्स कमांडो को ब्रिटिश आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। वहीं नंबर 6 पे आते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। यह सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम आपने अभी जल्दी में ही सुना होगा। हाल में ही हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह आतंकियों से निपटने, बंधकों को बचाने के लिए मशहूर है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। पैरा कमांडो का गठन 1966 में हुआ था। वहीं पैरा कमांडो की लगभग 3 साल तक चलने वाली इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। पैरा कमांडोस की आसमान से छलांग लगाने से पहले जमीन पर कड़ी ट्रेनिंग होती है, जो कि 15 दिन की होती है। पैरा कमांडो को आसमान में 5000 से लेकर 30000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन का खात्मा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट का वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरे रिजर्व पैराशूट का वजन 5 किलोग्राम होता है। वही नंबर 7 पे आते हैं फोर्स वन। मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि वह अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगी। इसी की कड़ी में उन्होंने फोर्स वन का गठन किया। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेजी है। यह फोर्स सिर्फ 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में DRDO, NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। विस्फोट का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में यह सक्षम है। इनकी भर्ती के समय 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से बस 216 लोगों का ही चयन किया गया था। फोर्स वन स्पेशल फोर्स का गठन 2010 में हुआ था। इस फोर्स का मेन काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। वही नंबर 8 पे आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद इस फोर्स का गठन हुआ था। इस फोर्स से कहा गया था कि अगर चीन की ओर से कोई भी अनचाहा कदम उठाए, तो यह फोर्स छिपकर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे खदेड़ दे। वो बात अलग है कि भारत को कभी इस फोर्स के इसके असली काम की जरूरत नहीं पड़ी। यह फोर्स रॉ के साथ भी मिलकर काम करता है, जो कि एक भारतीय खुफिया संगठन है। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। इस फोर्स का गठन 14 नवंबर 1962 में हुआ था। तो यह थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। वहीं अगर आप आर्मी और वेपन से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल आर्मी ज्ञान को देख सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी
क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।